देखिए, मैं आपको थोड़ा सा दोबारा क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ी सी अटेंशन दे, मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि यहाँ पे आते हैं, आप देखें, यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पॉलिसीज आपने लिखा, यूनिवर्सिटीज आर सपोज टू बी मेड पॉलिसीज, नहीं होगा, आप लिखेंगे पॉलिसीज, ये पैसिव होगा, पॉलिसीज आर यहाँ सपोज, यहाँ टू बी, यहाँ मेड बाय द यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज बनाती हैं तो पॉलिसीज आर सपोज टू बी मेड। यहाँ आपने लिखा है यूनिवर्सिटीज आर सपोज टू बी मेड पॉलिसी, ये वाला आपका ऑप्शन गलत है, 100% गलत है, पैसिव वाला। द स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी अटेंडेड द क्लास, ये आपका गलत है, बेसिकली आपका होगा क्लास इज सपोज टू बी अटेंडेड बाय द स्टूडेंट्स, ये आपका इस तरह होगा। ये मैंने लिखा है आई एम सपोज टू बी कुक्ड पिज्जा, ये गलत है, इसके दो तरीके हैं, या तो आई एम सपोज टू कुक पिज्जा, आई एम सपोज टू कुक पिज्जा, एक आपका इस तरह होगा, और दूसरा है आपका पिज्जा इज सपोज टू बी कुक्ड बाय मी, ये दूसरा तरीका है आपका, या तो आप इस तरह लिखें आई एम सपोज टू कुक, या द पिज्जा इज सपोज टू बी कुक्ड, ये दो तरीके हैं आपको, इसको समझाने का मतलब यही तरीका है कि आपको मैं यहाँ ये देखें, एक्टिव भी लिखा है और आपका पैसिव भी लिखा है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को, यहां तक मेरे ख्याल में क्लियर है। पीछे आते हैं, मैं आपको आपको बताऊं, यहाँ देखिए मैंने लिखा था कि हार्ड वर्क वाज सपोज, ये पास्ट में होगा, वाज सपोज टू बी डन, ये पैसिव आपका पास्ट में होगा, या तो यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, या आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, हार्ड वर्क ऑब्जेक्ट है, वर्क हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्क हार्ड आपका वर्ब है, ये वर्ब है आपका, ये आपका जो है वर्ब नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ वाज भी दे सकते हैं आप, लेकिन वाज का वाज ही वर्क का वर ही आएगा, हार्ड वर्क वाज सपोज टू बी डन बाय यू, या यू आर सपोज टू वर्क हार्ड, इस तरह भी हो सकता है, या इस तरह दें या आप इस तरह दें, दोनों आपके डिपेंड करता है कि आप क्या किस तरह करते हैं। शी वाज सपोज टू अटेंड द क्लास, या तो आप इस तरह करें, या क्लास वाज सपोज टू बी अटेंडेड बाहर, या आप इस तरह करें, डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि शिवा सपोज टू बी अटेंडेड द क्लास, ये वाला स्ट्रक्चर आपका गलत है, आप इस तरह नहीं कर सकते। पीछे चलते हैं, मैंने आपको ये बताया था, आप यहाँ लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर लगाएंगे, आप एम लगाएंगे, फिर आप सपोज लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर वर्क आर लगा सकते हैं, ये आपका सिंपल प्रेजेंट का है, या शी इज नॉट सपोज टू, इज के बाद एम के बाद आप नॉट लगाएंगे, लेकिन ये हमेशा थर्ड फॉर्म होगा और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। या इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सिंपल में, यू शुड वर्क हार्ड, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अगर देखें नॉर्मली सपोज जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली चलता है, आई यू आर सपोज टू अटेंड माई क्लास, थोड़ा अच्छा लगता है, यू शुड अटेंड की जगह यू आर सपोज टू अटेंड अच्छा लगता है लोगों को, तो हम इस मैं ज्यादातर यही इस्तेमाल करता हूँ, आई एम सपोज टू हैव योर क्लास, आई एम सपोज टू टेक योर क्लास, यू आर सपोज टू अटेंड माई क्लास, यू आर सपोज टू अटेंड, आई एम सपोज टू हैव, ठीक है। तो यहाँ भी हमने लिखा है कि ये जो आपका पास्ट में होगा शुड हैव होगा, और या आप लगा सकते हैं वाज नॉट सपोज टू, ठीक है, वाज नॉट सपोज टू इन्वॉल्व इन द सिविल गवर्नमेंट, इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, या सिविल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें आप वाज और वर्ब भी लगा सकते हैं, फिर उसमें भी सपोज टू होगा अटेंड द क्लास, या आप इसमें लगा सकते हैं शुड हैव या शुड नॉट हैव अटेंड, या शुड हैव या शुड नॉट हैव अटेंडेड, लेकिन शुड के बाद आपका नॉट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर आपकी अटेंडेड आएगा, क्लियर हो गया। ये भी मैंने आपको बताया था कि शी इज आर होगा, एम होगा, फिर सपोज होगा, फिर टू होगा, फिर आपका वर्क हार्ड होगा, ठीक है। यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये देख लें, आप सारा देख लें, भाई मैं आप क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसको बताऊं, यहाँ तक है आपका। अब आप मुझसे सवाल करें, सवाल आपके ज्यादा आए हैं, मैं देखता हूँ आपके